दुनिया तो दूर सोने में आप दुनिया तो रहिए कितने वक् में तेरे मोटे उत्ते सिर वे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मुझे पता है कि ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, दोस्तों के मैसेज आए थे कि तुम कंटिन्यूस ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। तो अभी मैं PU पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ इस टाइम, और मैं इसलिए लगातार नहीं बना रहा था कि क्योंकि यहाँ पे कुछ रहने का एक परमानेंट बन नहीं रहा था। अभी मुझे हॉस्टल अलॉट हो चुका है तो मैंने अभी हॉस्टल भी शिफ्ट कर लिया है और अभी इस टाइम मैं हॉस्टल में ही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो अभी हम अब से हम रेगुलर ब्लॉग डालने स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएंगे। और आज का ब्लॉग है खास नहीं, बस अभी मैं जा रहा हूँ पिंजौर भाई जी के पास, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो जाके उनको मैरिज एनिवर्सरी विश करते हैं और पार्टी शार्टी करेंगे और क्या। तो बनते देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चंडीगढ़ की हसीन वादियों से निकलते हुए अभी हम जा रहे हैं मनीमाजरा, वहाँ से हम बस लेंगे पिंजौर के लिए शिमला हाईवे वाले रोड पे। यहाँ से लगभग मुझे 20 या 30 मिनट लग जाएंगे पहुँचने के लिए। ऑटो से जा रहे हैं हम, ऑटो का आनंद लेते हुए। गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, एंड जिन्होंने किया है वो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। यहाँ पे एक सीन हो गया, ऑटो वाला मुझे मनी माजरा की मार्केट से होके ले आया, उसको कोई और दूसरी पैसेंजर मिल गया तो यहाँ से मुझे बहुत कहना पड़ा, उससे मैं भी लेट हो गया थोड़ा सा। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं पिंजौर बाईपास की लाइटों पे, ये रही पिंजौर बाईपास की लाइट पे, और ये रोड जहाँ से बस आ रही ये पिंजौर के लिए जाता है, तो इस साइड का रोड निकल गया शिमला के लिए। तो अभी मैं शिमला वाली बस पे आया था और मेरे को उन्होंने यहाँ बाईपास पे उतारा है। अब मैं भाई जी का वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, होप कि जल्दी आ जाए, फिर हम जाएंगे उनके रूम पे जहाँ वो रहते हैं। अभी भाई जी आ चुके हैं और ये रही सामने उनकी गाड़ी लाइटों पे, अभी यू टर्न लेंगे ये साइड को लाइटें ऑन होने के बाद, मिलते हैं बहुत दिनों के बाद इंटरव्यू मिलते हैं। यू टर्न ले लिया है भाई ने और आ रहे हैं, ये आगे गाड़ी भाई जी की फाइनली। ये रहे भाई भाभी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सबसे पहले तो। अच्छा अभी लाइट ऑन, ये लाइट ऑन कर दी, हाँ अभी दिख रहे हैं आपको, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं बाकी बाद में। ये रहे सामने भाई जी, वाह देख लिया, हेलो। वो ये किचन में कर देगा, हाय पूजा, सबसे पहले दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। गाड़ी में अच्छे से मिल नहीं पाए थे, और मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उस सभी कमेंट सेक्शन में इनको मैरिज एनिवर्सरी विश करें। ये आज क्या बन रहा है स्पेशल, अभी खाना मिल रहा होगा कुछ ना कुछ स्पेशल बन रहा होगा, दाल भात, दाल भात मछलियों का खाना है, दाल भात बॉइल हो रहा है, भात। तो गाइस अभी आज बन रहा है हमारा पनीर टिक्का, यहाँ पे हमने दही के साथ भाई ने शायद लहसुन और अदरक पेस्ट करके मिक्स करके ग्राइंड करके डाल दिया, अभी यहाँ पे प्याज डलेगा साथ में और ये हमारा पनीर, देखते हैं कैसा बनता है। ये हमारे सब साहब आज के बुट्टी, हिमाचल में कहते बुट्टी हमारे बुट्टी जी,
कुछ ना कुछ तो बनेगा, भगवान जाने क्या बनेगा, प्रिंट टिक करने दे, कुछ तो बनेगा। यहाँ पे हमारा पनीर टिक्का का रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। क्या चीज रही है ना? अब क्या करेंगे आगे, हम आगे का प्रोसीजर का रोस्ट करना है ना, रोस्ट करेंगे इस डाली पे, इसलिए करेंगे ना तंदूर में करते हैं, वैसे हम गैस पे करेंगे। 10-15 मिनट के लिए हम पहले ऐसे ही रखेंगे इसको, उसके बाद हम करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे बातें। और तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अभी हम थोड़ी देर में केक काटेंगे, नया एनिवर्सरी करेंगे तो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। सी यू। हमने एनिवर्सरी का केक खोल दिया, ये रहा हमारा केक, बहुत ही प्यारा सा केक है। कुसुम लव नीरज, नीरज का जेब मिट गया, उड़ गया तक लते, येलो कलर मैंने पहन लगाया, दुकानदार ने लगाया वाइट कलर, वो तो उसके दुकानदार की कंडीशन था, मैंने उसको बोला था वाइट कलर से लिखना, उसने अपनी मर्जी करी। यानी वो चलो केक तो आ गया, थोड़ी देर में काटेंगे अब इसको। तो फाइनली केक आ चुका है और ये रहे भाई जी एंड पूजा एंड ये रहा हमारा केक। केक दिखाते हैं आपको एक बार फिर से, जल्दी से हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दीजिए मैरिज एनिवर्सरी कमेंट सेक्शन में। केक कटने के लिए रेडी है, लगा दो लगा दो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई जी। तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे मैं खाब खाब सा तेरी आंखों में जागूं रे।